हे एवरीवन, मैं हूं प्रिंस देसी प्रोग्रामर से, और इस वीडियो में हम सेल स्क्रिप्टिंग में इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में और ज़्यादा बातें करेंगे। हम देखेंगे कि हम कैसे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे इफ एल्स के साथ एल्स इफ स्टेटमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक इफ एल्स इफ इफ के लैडर को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिलहाल आज नैनो को यूज़ करेंगे अपने कोड को एडिट करने के लिए। और ऑफ कोर्स मैं सबसे पहले अपना डेस्कटॉप में स्विच करता हूँ। यहाँ पर से हमारे पास ऐसी ट्यूटोरियल्स, यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम मैं देता हूँ मोर ऑन इफ्स डॉट एस एच। अब बस मेरी ये फाइल क्रिएट हो चुकी है, और ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर परमिशंस देनी है, तो हम यूज़ करेंगे सी एच मोड यू प्लस एक्स स्पेस मोर ऑन इफ्स डॉट एस एच। हम इंटरेट करेंगे और हम जानते हैं कि हमने परमिशंस दे दी हैं। तो हमें यूज़ करना है नैनो यहाँ पे, और हम नैनो को यूज़ करके एडिट करने वाले हैं मोर ऑन इफ एल्स एस एच स्टेटमेंट्स को। आई थिंक इतना काफ़ी है। चलिए तो अब इसे हम एडिट करते हैं यहाँ पे जी एन यू नैनो को यूज़ करके। और हमने ऑफ कोर्स नैनो के बारे में पहले ही बात की, और आप नहीं जानते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पर आप जान जाएंगे कि एक कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस यानी फिर कमांड लाइन इंटरफेस वाले टेक्स्ट एडिटर को कैसे यूज़ करते हैं, और स्पेशली नैनो को कैसे यूज़ करते हैं। हैश कॉलन स्लैश बिन स्लैश बैश जो हमारा सी बैंक टेक्स्ट है, और ऑफ कोर्स हर बार की तरह इस बार हम एक बार टेस्ट करेंगे कि क्या हमने सब कुछ सही किया है या नहीं। तो डॉट स्लैश मोर इन्फो एस एच और ऑफ हाँ टेस्टिंग, तो ये सब कुछ सही है। अब हम इसे फर्दर एडिट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं, कल हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, कैसे हम वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हैं, डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, और फिर उसके बेसिस पे आंसर्स दे सकते हैं या फिर फर्दर कमांड्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो आज हम पहले जल्दी से उसे रिकॉल कर लेते हैं। चलिए ठीक है, बहुत सिंपल था मेरे पास। हम एक रीड स्टेटमेंट देते हैं और एक प्रॉम्प्ट रहेगा, सिंपल बात हम बोलना चाहते हैं, लेट्स से एंटर योर यूज़र नेम। ठीक है, सबसे पहले हम यूज़र नेम एंटर करा रहे हैं जिसे हम स्टोर कर रहे हैं यू नेम में, और एक इफ स्टेटमेंट जो कि ये कहेगा कि इफ डॉलर यू नेम इज इक्वल टू, क्योंकि हम स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं, और हमने इस बारे में बात की है कि जब हम स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं तो हम इज इक्वल टू साइन को यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान दें यहाँ पे दोनों के बीच में स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। तो इफ यूज़र नेम इज इक्वल टू, लेट्स से दैट यूज़र नेम इज मार्क, एंड अगर ये यूज़र नेम इसके बराबर है यानी कि वो यूज़र नेम वही है, देन हमें वो करने वाले हैं कि ओके वेलकम फाइन, और एफ आई यानी कि एफ को एंड किया हमने, और कंट्रोल प्लस एस से हम इसे सेव कर लेते हैं। और एग्जिट करने के पहले मैं आपको बता दूं, हर बार हम यहाँ पर एक क्लियर स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं ताकि हमारा टर्मिनल क्लियर हो जाए, हमें कुछ भी बेकार सा टेक्स्ट अपने स्क्रीन पे ना दिखे। तो एस और एक्स यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो चुका है, और हम इसे अब रन कराएंगे। तो एंटर योर यूज़र नेम, अगर मैं अपना यूज़र नेम कुछ दूसरा डालूँ तो आप देख सकते हैं कि कोई प्रॉम्प्ट हमें नहीं मिल रहा, बट अगर मैं मार्क डालूँ तो हमें अपना आउटपुट मिल रहा है जो कि है वेलकम। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सबसे पहले एल्स स्टेटमेंट के बारे में कि ये एल्स स्टेटमेंट क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि जब हमारे यूज़र ने मार्क होता है तो हमारा ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होता है, यानी कि देन के बाद के कमांड्स एक्सिक्यूट होते हैं। बट सपोज़ मैं यूज़र को ये बताना चाहता हूँ कि हाँ आपने गलती की है, हमारा इफ़ स्टेटमेंट सही से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे हम यूज़ करते हैं एक एल्स स्टेटमेंट का, और ये एल्स बस हमें एल्स लिखना है और फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं अपने सारे कमांड्स। यहाँ पर सिंपल हम यूज़ करते हैं एको यूज़र नेम एरर। ओके, सिंपल सा एक सिर्फ प्रॉम्प्ट, और अब अगर मैं इस फाइल को रन कराऊं और अगर मैं यूज़र नेम डालू mark i तो मिलता यूज़र नेम एरर, यानी कि अब यूज़र समझ जाएगा कि हाँ भाई कोई तो गलती यहाँ पे हुई है। तो ये था बेसिक इफ और एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर अब दो चीज़ें और हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करें तो हम यहाँ पे इफ़ और एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं वहाँ पर भी इफ़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ करते हैं कि हमें यहाँ पर यूज़र नेम सिर्फ डालना है, ठीक है, और हम यहाँ पर एक और चीज़ इनपुट कराने यूजर से, वो है कि सपोज़ दैट इज़, तो हम बोल रहे हैं एंटर योर एज जिसे हम स्टोर कर रहे हैं एज में, और अब मैं चाहता हूँ कि अगर यूज़र ने मार्क हो और तो उसे वेलकम बोले, और फिर हम चेक करें कि क्या इस पर्सन की जो
एज है वो 18 से बड़ी है या नहीं, जिसके लिए हम यूज करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू और फिर 18 और फिर देन, और अब हमारे पास है यू नो एको दैट यू आर ऑथोराइज्ड टू व्यू एवरीथिंग. कम ऑन, स्पेलिंग मिस्टेक्स. ठीक है, तो सिंपल स्टेटमेंट दैट यू आर ऑथोराइज्ड टू व्यू एवरीथिंग. और यहाँ पर भी हम अपने इफ कंडीशन को एंड करना पड़ेगा. तो होता क्या है कि यहाँ पर अब ये पूरा एक ब्लॉक जैसा है, ये सब एक ब्लॉक है जिस, और हम जानते हैं कि हम अपने इफ ब्लॉक के अंदर किसी भी ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लूप यूज़ कर सकते हैं, हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. तो फिलहाल ये इतना है. मैं इसे अगर सेव करूँ और हम वापस से इसे एक्सिक्यूट कराते हैं तो अब देखते हैं कि सबसे पहले हम अपना यूज़र नेम डालना है सपोज मार्क, और हम अपना एज डालना है जो कि सपोज 18. तो हमें मिल रहा है वेलकम एंड यू आर ऑथराइज्ड टू व्यू एवरीथिंग. और अगर यूज़र नेम है मार्क और एज है 12 तो हमें बस ओके. तो यहाँ पर हमने गलती की, चलिए यूज़र नेम है मार्क एज है 12 तो हमें सिर्फ वेलकम दिख रहा है. अब इस स्क्रिप्ट को बेटर वे में यानी कि बेहतर तरीके में कुछ ऐसा लिखा जाएगा कि भाई हमें एज की ज़रूरत आखिर तभी पड़ रही है जब यहाँ पे हम यूज़र नेम को पहले से ही कन्फर्म कर पा रहे हैं. तो जिसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर हर बार एज को एज एन इनपुट लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, कोई ज़रूरत नहीं हमें यहाँ पे. तो हम सपोज़ यहीं पर सीधे यूज़ कर ले रहे हैं जो कि रहेगा एंटर योर एज. अब इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि पहले यूज़र नेम को चेक किया जाएगा और अगर यूज़र नेम गलत है तो ये एज डेटा कभी यूज़ ही नहीं होगा. और ये है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट. अब देख सकते हैं कि हमने इफ के अंदर एक और इफ को यूज़ किया है. तो ये था नेस्टेड इफ एल्स, यानी कि हमने इफ के अंदर इफ को नेस्ट किया. हम चाहे तो यहाँ पर एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक सपोज हम यहाँ पे अभी उसको कर ही लेते हैं एक बार ताकि हमें पता चले कि चीज़ें कैसे काम करती हैं. तो ये है एल्स, और एल्स में हम बस इतना को करना चाहते हैं कि यू कैन व्यू लिमिटेड स्टफ. ठीक है, अब आप लिमिटेड स्टफ ही देख सकते हैं. फाइन, अब अगर फिर से स्क्रिप्ट रन हो रहा है, यूज़र नेम मैंने कुछ भी गलत डाल दिया तो एरर, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यूज़र नेम सही है, एज कम है, तो हमें पता चल रहा है कि हम सिर्फ लिमिटेड स्टफ को ही देख सकते हैं, हम जो बन सो नहीं देख सकते हैं. तो ये था इफ एल्स स्टेटमेंट, और उसके अंदर हमने नेस्ट किया दूसरे इफ एल्स स्टेटमेंट को. अब हम बात करें यहाँ पे, तो हम कभी कभी इफ एल्स स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसके पहले हम देख लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं. तो ऑफ कोर्स हमने अब तक देखा है रिलेशनल ऑपरेटर्स को, बट हमारे पास दो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं, जिसमें फर्स्ट वन है ए, जिसका मतलब होता है एंड ऑपरेटर. अब ये क्या बोलता है कि बोथ साइड्स मस्ट सेटिस्फाई. अब इसका मतलब क्या है ये हम बहुत जल्दी बात करेंगे, पर हम यहाँ पे जान लें कि दो ऑपरेटर्स क्या है, एंड ऑपरेटर और ओर ऑपरेटर. और ये कहता है कि एटलीस्ट वन साइड मस्ट यू नो सेटिस्फाई. तो इन दोनों का यूज करते हैं, हालांकि एक तीसरा ऑपरेटर भी है अगर हम बात करना चाहें तो, इसे हम बोलते हैं यू नो नॉट ऑपरेटर. और ये क्या करता है, आसान भाषा में बोल सकते हैं ये रिवर्स कर देता है बोलियन को, यानी कि अगर हमें ट्रू मिलेगा तो ये उसे फॉल्स कर देगा, हमें फॉल्स मिलेगा तो वो ट्रू कर देगा. नॉट के बारे में हमने स्ट्रिंग्स में भी बात की थी पिछली वीडियो में, जहाँ पर हमने देखा था कि कैसे पूरी कंडीशन को हमने रिवर्स कर दिया सिर्फ इसे एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करके. तो फिलहाल यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बात करेंगे हाइफन ई और हाइफन ओ यानी कि एंड और ऑपरेटर के बारे में. तो अब सपोज इस वेबसाइट में हमें ऐसा था कि हमने एक बार में यूज़र नेम भी एंटर ले लिया और एज भी एंटर ले लिया. अब मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसी स्क्रिप्ट है या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जहां पर या तो यूज़र नेम पता होना चाहिए या फिर एज 18 से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो इंसान जो है वो इसे एसेस कर सकता है, यानी कि या तो वो इंसान पहले से ऑथोराइज हो या फिर 18 प्लस हो यानी कि पहले से बड़ा हो.
तो हम इस स्क्रिप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे ये सब कुछ हम इरेज कर दें और फिर से लिखते हैं ताकि हमें चीज़ें अच्छे से और आसानी से समझ में आए। तो ऑफ कोर्स हम यहीं से शुरू करेंगे स्क्रिप्ट को, एंटर योर यूज़र नेम, और हमने यूज़र नेम तो एंटर ले लिया। अब हम यहीं पे पहले ही एज भी पूछ लेते हैं यूजर से कि भाई आपकी एज कितनी है। ठीक, अब हमें इफ़ स्टेटमेंट कैसे लिखना है कि इफ़ मेरा सबसे पहला काम जो कि ये कहता है कि इफ़ यू नेम यानी कि इफ़ यूज़र नेम इज़ इक्वल टू मार्क। तो हम जानते थे कि अगर यूज़र नेम मार्क के बराबर हो तो ये काम करना है, बट हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि या तो यूज़र नेम मार्क के बराबर होना चाहिए या फिर एज 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कई वेबसाइट्स पे या फिर कई ऐसे एप्लीकेशंस में, यहाँ पे या तो हमारा फ़ोन नंबर सही होना चाहिए या फिर हमारा ईमेल आईडी सही होना चाहिए, तो उनमें से कोई भी एक सही हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे हाइफन ओ का, जिसका मतलब ये होता है कि अब या तो यूज़र नेम मार्क के बराबर हो या फिर मेरी ये दूसरी कंडीशन जो कि अब मैं लिख रहा हूँ डॉलर इज नो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, या फिर मेरी ये दूसरी कंडीशन यानी कि जो एज है वो 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। फाइन, तो इज इक्वल टू मार्क। ओके, हमने यहाँ पर एक कोडिशन छोड़ा था जिस कारण आप देख सकते हैं सिंटेक्स ऑटो कलराइजेशन है, कारण हमें यहाँ पे पता चल गया कि कोई मिस्टेक है। तो देन अब हम क्या करते हैं, हम एको करने वाले हैं कि यू कैन व्यू एवरीथिंग, और बस हम यहीं पर एफ को एंड करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि ऑफ कोर्स हम यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, तो बार बार छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करें कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं इसे रन कराऊँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा यूज़र नेम मार्क होना चाहिए और सपोज मेरी एज सिर्फ 12 है तो मैं क्या मिल रहा है, यू कैन व्यू एवरीथिंग, यानी कि यूज़र नेम सही है तो भाई अब एज से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और अगर इसी स्क्रिप्ट में मेरा यूज़र नेम गलत है बट मेरी एज 21 है तो भी यू कैन व्यू एवरीथिंग, और अगर सपोज जैसा हो कि मेरा यूज़र नेम भी गलत हो और मेरी एज भी कम हो, वेल इन दैट केस ये स्क्रिप्ट रन नहीं करेगी, आई मीन रन करेगी बट हाँ हमें आउटपुट नहीं मिलेगा अपने इफ स्टेटमेंट के अंदर का। तो ये था हाइफन ओ जो कि ये बोलता है कि अगर दो कंडीशंस हैं और ऑफ कोर्स हर बार दो साइड दो ही कंडीशंस होंगे, तो ये दोनों कंडीशंस में से कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू है सेटिस्फाई कर रही है तो भैया ये पूरा कंडीशन ट्रू हो जाएगा और फिर अंदर जो भी है वो एक्सिक्यूट कर जाएगा, और इसकी ज़रूरत हमें बहुत बार पड़ती है। साथ में हाइफन ए भी है जो ये बोलता है कि नहीं भैया मुझे पूरे से ज़रूरत है, यानी कि राइट साइड भी सेटिस्फाई करना चाहिए और लेफ्ट भी सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कई बार हमें देखना होता है कि यूज़र नेम भी सही होना चाहिए, पासवर्ड भी सही होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही है कि दोनों साइड सेटिस्फाई करेगा तभी मैं इसे आगे बढ़ने दूंगा। तो अब जबकि मैंने स्लैश ए को यूज़ किया, हाइफन ए को यूज़ किया है और हम इसे स्क्रिप्ट को रन कराते हैं, हम देखते हैं कि मेरा यूज़र नेम सही है बट मेरी एज कम है तो भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। अगर मेरा यूज़र नेम गलत है बट मेरी एज ज़्यादा है तो भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, बट अगर मेरा यूज़र नेम भी सही है और मेरी एज भी ठीक है 18 से ज़्यादा है तो हमें कुछ भी आउटपुट मिल रहा है। तो ये था हाइफन ए एंड हाइफन ओ जिसका मतलब था एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। अब यहाँ पर कई बार ऐसा हो सकता है जैसे कि हमने देखा कि यूज़र नेम मार्क है एंड एज 18 है तो भैया हमने कुछ करने दिया। अब सपोज़ यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, जैसे कि हम बात करते हैं एक सिंपल एप्लीकेशन के बारे में, वेबसाइट तो नहीं बोलूँगा क्योंकि ऑफ कोर्स सेल्स स्क्रिप्ट को यूज़ करके वेबसाइट नहीं बना सकते हैं, बट यहाँ पर लॉजिक को समझने के लिए हम ऐसे चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो सपोज करते हैं कि हमें किसी एप्लीकेशन में हमारा यूज़र नेम पूछा जा रहा है जो कि है इंटर योर यूज़र नेम, और ऑफ कोर्स हम इसे अगेन यू नेम में सेव करेंगे, और साथ ही में हमसे मेरा पासवर्ड भी पूछा जा रहा है जो कि है ऑफ कोर्स एंटर योर पासवर्ड, और इसे हम स्टोर कर लेंगे PSS के पास में। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तीन कंडीशन को इवेलुएट करना चाहते हैं। मेरा एप्लीकेशन ये बोल रहा है कि भैया अगर अगर ये जो यूज़र नेम है ये अगर सेम है वो रजिस्टर्ड यूज़र नेम के जैसा, और साथ ही में अगर जो पासवर्ड है वो भी सेम है जो पासवर्ड उन्होंने पहले उस टाइम डाला था उसके बराबर, तो फिर हम चाहते हैं कि इन्हें फर्दर कंटिन्यू करने दिया जाए। फाइन,
यहाँ पर हमें ए के बीच में स्पेसेस यूज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे सेल स्क्रिप्ट हम पहले जानते हैं कि इसके स्पेसेस का कितना ज़्यादा महत्व है। देन हम क्या करना चाहते हैं कि भाई एको यू आर वेलकम, गुड कूल। बट एक प्रॉब्लम है, हो सकता है ऐसा हो कि यूज़र नेम सही हो, पासवर्ड गलत हो, या फिर पासवर्ड सही हो और यूज़र नेम गलत हो। ऐसे में हम ये कहना चाहते हैं कि भैया आप वेलकम तो नहीं हो, लेकिन आपने कुछ एक सही डाला है, तो इसलिए आप रीसेट कर सकते हो यूज़र नेम या फिर पासवर्ड को। तो ऐसे में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एल्स इफ के शॉर्ट फॉर्म यानी कि ELIF, जो कि ये कहता है एल्स इफ, एल्स यानी कि इसके बाद, अगर ये इफ़ स्टेटमेंट करेक्ट होगा तो फिर एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, अगर ये करेक्ट नहीं है तो भी यहाँ पर आएगा। और यहाँ पढ़ा कि हम ये चेक करेंगे कि इफ़ यू नेम, अगर ये जो यू नेम है, सॉरी डॉलर यू नेम, यू नेम हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल है, अगर ये यू नेम ठीक है भैया मार के बराबर है, या फिर जो पासवर्ड है हमारा लेटेस्ट से कि ये पासवर्ड ही क्वेरी के बराबर है, यानी कि पासवर्ड या फिर यूज़र नेम, दोनों में से अगर कोई भी सही है, अब ये नहीं कह रहे दोनों सही है, कोई एक सही है, तो भैया आप एको कर देना कि एट लीस्ट वन इज करेक्ट। और अभी आपको एक सुविधा जा रही है कि रीसेट पासवर्ड या फिर यूज़र नेम, ओके यूज़र नेम हियर, यानी कि भैया अब आप यूज़र नेम या फिर पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। और अगर अगर दोनों में से कोई भी सही नहीं है तो फिर हम बस इतना कहना चाहते हैं कि भैया हम बस बोल रहे हैं कि क्रेडेंशियल्स, कम ऑन क्रेडेंशियल्स नॉट फाउंड, और यहाँ पर हम सिर्फ एक बार एफ इंड को यूज़ करेंगे। अब अगर मैं इस स्क्रिप्ट को रन कराऊँ तो आप देख सकते हैं इंटर योर यूज़र नेम इट्स मार्क, इंटर योर पासवर्ड ओके, बट ही आई हैव एंटर्ड समथिंग रॉन्ग मे बी एंटर, तो हमें अपना आउटपुट मिल गया जो कि एक्सपेक्टेड था कि एटलीस्ट वन इज़ करेक्ट, रीसेट पासवर्ड या फिर यूज़र नेम हियर। एट द सेम टाइम अगर हम अपना यूज़र नेम सही डालते हैं, पासवर्ड भी सही डालते हैं, तो हमें बोला जा रहा है यू आर वेलकम। और अगर मेरा यूज़र नेम गलत है और पासवर्ड भी गलत है तो हमें सीधे मिल रहा है क्रेडेंशियल्स नॉट फाउंड। तो हम समझ गए यहाँ पे कैसे काम करता है, सबसे पहले इफ़ चेक किया जाता है, अगर इफ़ सही हो तो फिर रोक दो, गलत है तो फिर एल्स इफ में जाओ, सही है तो फिर रोक दो, गलत है तो फिर नेक्स्ट एल्स इफ में जाओ, क्योंकि एल्स इफ यहाँ पे जितने मन उतने एक्सिस्ट हम करा सकते हैं। और अगर ये एल्स इफ भी गलत नहीं है तो नेक्स्ट में जाओ, और अगर कोई एल्स इफ सही नहीं हुआ तो लास्ट के एल्स स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट कर दो। ध्यान दें सिर्फ इफ़ को हम यूज़ कर सकते हैं बिना एल्स के, लेकिन जब इफ़ के साथ हम एल्स इफ यूज़ करते हैं तो हमें एक एल्स यूज़ करना ऐसे जरूरी पड़ जाता है, कई बार हम बिना किए स्किप कर सकते हैं। हालांकि इट्स सजेस्टेड कि अगर हम इफ़ एल्स इफ लेटर बना रहे हैं तो एक एल्स को यूज़ करें। तो बस ये था सेल स्क्रिप्टिंग का लॉजिक, ऑफ कोर्स हमने अभी लॉजिक को क्लियर किया है। अगली वीडियो में देखेंगे कि हम क्या इफ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज़ करके कोई रियल लाइफ स्क्रिप्ट डेवलप कर सकते हैं या नहीं। तो हम डेवलप ही करने वाले हैं टेस्ट स्क्रिप्ट को, तो मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पर हम डेवलप करेंगे एक टेस्ट स्क्रिप्ट को।